शहर को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नगर निगम प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को लालडिगी स्थित नेहरू पार्क में चल रहे सुंदरीकरण के कार्यों का महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने निरीक्षण किया। एक समय में नेहरू पार्क महानगर की शान हुआ करता था, लेकिन उपेक्षा का शिकार होने की वजह से अपने अस्तित्व को खो चुके लालडिग्गी स्थित नेहरू पार्क को नगर निगम प्रशासन अमृत योजना के माध्यम से 4.5 करोड़ की लागत से फिर से अपने अस्तित्व में लाने की कोशिश में जुट गई है। अमृत योजना के अंतर्गत महानगर के 16 पार्कों का चयन किया गया है, जिसका जीर्णोद्धार नगर निगम प्रशासन करेगा। महानगर को प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन 199 पार्कों में 15 अगस्त को वृक्षारोपण करेगा। इस अवसर पर उपसभापति जितेंद्र सैनी, चीफ इंजीनियर वीसी पटेल, सहायक अभियंता एचपी यादव, अवर अभियंता दिनेश सिंह, नवीन श्रीवास्तव, राम नारायण गौण, राम गुहाल कुशवाहा, संदीप कुमार, शिव कुमार श्रीवास्तव, किशोरी लाल जायसवाल सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, किसी नाले को चौड़ा करा करके ये पानी उसका कहाँ जाएगा, पहले जाता था वहाँ इसको तो मरवा दीजिए। पहले वाला काम आप दुरुस्त कर दीजिए, नहीं नरक हो गया, हम लोग काम बंद कर दिए। 10-15 दिन में हो जाएगा, लेबल सही हो जाए, लेबल सही करा दीजिए, चलने वाले लोग बता दीजिए, जहाँ जहाँ हो आप कई जगह डैमेज वहाँ बरसात तक दो पंप परमानेंट करते हैं। जी नोट, अरे 65 नंबर 60 नंबर पंप। देखिए पूरे जनपद में और विशेषकर नगर क्षेत्र में अमृत योजना के तहत पार्कों के जीर्णोद्धार का, पार्कों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, ताकि शहर में ग्रीन कवरेज को बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में कुल 16 पार्कों को अमृत योजना के तहत चयनित किया गया है, 15-16 में 16-17 में 17-18 में। इसके अलावा बोर्ड फंड से, अवस्थापना के फंड से पार्कों को लिया जा रहा है, ताकि कुल 199 पार्क जो नगर निगम में हैं सबको नए सिरे से जो है उसको बनाया जा सके, ग्रीनरी को बढ़ाया जा सके। उसी के क्रम में आज मेयर साहब के द्वारा यहाँ लालडिग्गी पार्क का यहाँ पूरा निरीक्षण किया गया है। पूर्व में ये पार्क कभी शहर की शान हुआ करता था, और जो बीच में मेंटेन ना होने से, रख रखाव ना होने से जीर्ण शीर्ण हो गया था, इसको साफ़ सुथरा करके यहाँ 4.5 करोड़ से ज़्यादा की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन बन रहा है। जो यहाँ वाटर बॉडी है इसका फिर से नए सिरे से रख रखाव किया जा रहा है, यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं, पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक बनाया जा रहा है, बाउंड्री वाल जो जीर्ण शीर्ण हो गई है उसको ठीक करा के, प्लास्टर करा करके उसको अब नए पेंटिंग की जाएगी, गेट्स बनाए जा रहे हैं, लोगों को आने के लिए, आगंतुकों को बैठने के लिए छायादार बनाया जा रहा है। 15 अगस्त को यहाँ बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी मेयर साहब और स्थानीय पार्षद हमारे उपसभापति जी हम लोगों द्वारा किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र में ये जो पार्क शान हुआ करता था फिर से इसको उसी रूप में उससे बढ़िया खड़ा किया जा सके।
इसमें लक्ष्य दिया गया है कि इसको समय से इसको कर लिया जाए, और लेकिन अभी चूंकि इसकी धन की प्राप्ति थोड़ा विलम्ब हुआ है, तो अभी जितने धन की प्राप्ति हुई है उसी के अगेंस्ट ये काम चल रहा है। दूसरी किस्त भी हमें जैसे ही प्राप्त हो जाएगी हम इस पार को तुरंत पूर्ण करा लेंगे।